देखिए, महागठबंधन ने और महागठबंधन को जनता का समर्थन मिला है। मुझे खुशी है इस बात की कि गांव, गरीब, किसान और जितने भी हमारे तमाम गांव के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरी मदद की है और गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। चंद्रबाबू जी, आपकी तरफ से कोई मदद की गई शहीद को? चंद्रबाबू नायडू जो है, कल आपसे भी मिले, मायावती से भी मिले हैं, क्या हुआ, क्या बात? जो मुख्यमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू जी मिले हैं, वो भी चाहते हैं कि देश में नया प्रधानमंत्री बने और महागठबंधन भी यही चाहता है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिले। और अब वो दिन दूर नहीं, क्योंकि 19 तारीख आज हो गई है, वोट शाम तक पड़ जाएंगे, 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तो देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। सर, अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें लाता है तो क्या महागठबंधन कांग्रेस के साथ खड़ा है? महागठबंधन कांग्रेस साथ खड़ा है? ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, सवाल ये है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिले और ये गठबंधन नया देश को प्रधानमंत्री देने जा रहा है। मोदी जी जी चुनाव नतीजों से पहले गुफा में साधना करते देखे गए, क्या कहेंगे? अब गुफा में जाना ये तो बाद का काम होता है, जब सब काम छूट जाएं, जब सब कामों का अंत हो जाए, सब अंत हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद लोग गुफा में जाते हैं। गुफा में तभी जाते हैं लोग जब शांति चाहते हैं, जब चाहते हैं कि सब काम अच्छे पूरे हो गए हैं और आखिरी में गुफा में चले जाते हैं। लेकिन वो गुफा नहीं थी जिसमें गए थे, सुना है वहाँ टेलीफोन लगा था, सुना है वहाँ बिस्तर अच्छा लगा था, सुना है सब इंतजाम था, चुनाव था इसलिए गुफा में गए थे क्योंकि टीवी आपको गुफा से दिखाता। अरे ऐसा गुफा कितना अच्छा है जहाँ टीवी भी पहुँच गया हो, आपके कैमरे हो, ऐसी गुफा में तो हम भी जाना चाहेंगे जिस गुफा में टीवी के चैनल लगे हों, उस गुफा में हमारा भी जाने का मन कर रहा है। अब कोई गुफा हो बताओ, हम जाएंगे उसमें। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।